गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्सफोर्स 2। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल्सफोर्स क्लाउड के बारे में, और इसके बारे में पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ मैं, जिसमें वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस क्लाउड क्या होता है, आप किस तरह से अपना सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस क्लाउड क्रिएट कर सकते हो, यूज़ क्या क्या है और बाकी सारी चीज़ें। तो गाइस, हमारे सेल्सफोर्स में डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, उस तरह से एक और क्लाउड प्रोवाइड करता है जिसका नाम है एक्सपीरियंस क्लाउड। पहले उसका नाम कम्युनिटी क्लाउड भी था, जैसे आपने सुना होगा कि कम्युनिटी पे काम करना है, कम्युनिटी क्लाउड पे काम करना है। तो पहले इसका नाम कम्युनिटी क्लाउड था, बट बाद में बहुत सारे नए नए डिज़ाइंस, बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन किए, तो उसके बाद इसका नाम एक्सपीरियंस क्लाउड हो गया। तो चलिए देखते हैं कि एक्सपीरियंस क्लाउड होता क्या है। तो बेसिकली जो एक्सपीरियंस क्लाउड है, आप देख सकते हो, अगर आपको पॉइंट वाइज पढ़ना है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज लेना है, तो आप ये चार पॉइंट्स देख सकते हो, बनाए 5 पॉइंट देख सकते हो। बट मैं अगर आपको सिंपल टर्म्स बताऊँ तो सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस क्लाउड आपको एक प्लेस, लाइक आपको एक पर्टिकुलर कंटेनर प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप एक प्रॉपर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। वो वेबसाइट आप अपने पार्टनर के लिए क्रिएट कर सकते हो, आप अपने कस्टमर्स के लिए क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आपके कस्टमर्स आएंगे, आपकी वेबसाइट पे आपके प्रोडक्ट्स की डिटेल दिखेंगे, या फिर कोई भी चीज़। फॉर एग्जांपल, सपोर्ट मैनेजमेंट, लाइक आप केस मैनेजमेंट परफॉर्म करवाना है तो अपने कस्टमर के लिए एक पोर्टल क्रिएट कर सकते हो, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आपके कस्टमर्स आके अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, अपने लिए टिकट रेज कर सकते हैं, मीन्स केस रेज कर सकते हैं, अगर उनको आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई इशू आ रहा है। तो इस तरह से आपका सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस क्लाउड वर्क करता है। मतलब बेसिकली सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस क्लाउड आपको एक क्लाउड प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, लाइक बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए। बट अगर आपको एकदम अपने हिसाब से कस्टमाइज वेबसाइट क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको लगेगा LWC, जिसमें आपको लगेगी मेहनत। तो वो कैसे करेंगे, वो भी मैं बताने वाला हूँ आगे। बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि सेल्सफोर्स क्या है। सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस क्लाउड साइट इज़ अ ब्यूटीफुल ब्रांडेड डिजिटल एक्सपीरियंस कनेक्टेड टू योर CRM। हाँ, तो कनेक्टेड टू योर CRM का मतलब क्या हुआ? जो ये सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस क्लाउड, लाइक जो भी आपने सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस क्लाउड वेबसाइट क्रिएट किया होगा, वो एक्सपीरियंस क्लाउड वेबसाइट आपके सेल्सफोर्स CRM से इंटीग्रेटेड रहता है। इंटीग्रेटेड मतलब आप अपने आपके सेल्सफोर्स CRM में जो भी डेटा है, आप वो सारे डेटा को, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही डेटा को एक्सेस कर सकते हो, और कहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंस क्लाउड साइट में। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिखाऊँ तो ये जो अभी अब देख सकते हो, मैंने एक न्यू ऑर्ग क्रिएट किया है। तो बेसिकली ये जो अभी जिसमें मैं लॉगिन किया, इसे बोलते हैं सेल्सफोर्स CRM। ओके, ये सेल्सफोर्स CRM जो कि सिर्फ इंटरनल यूज़र के लिए होते हैं। इंटरनल यूज़र बोले तो जो कि आपकी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, राइट। और जो ये एक्सपीरियंस साइट है ना, ये जो एक्सपीरियंस क्लाउड पे जो आप साइट क्रिएट करते हो, मतलब जो वेबसाइट आप क्रिएट करते हो, वो आप चाहो तो अपने इंटरनल यूज़र के लिए क्रिएट कर सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली लोग अपने एक्सटर्नल यूज़र के लिए क्रिएट करते हैं। एक्सटर्नल यूज़र बोले तो आपके कस्टमर्स, मतलब जो आपके प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, राइट, या फिर आपके पार्टनर्स, मतलब जो आप अपना प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पे सेल करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक्सपीरियंस साइट वेबसाइट क्रिएट किया जाता है, राइट। तो आप देखते हो, एक्सपीरियंस क्लाउड मेक इट इजी टू क्रिएट दिस एक्सपीरियंस, इंगेज कस्टमर एंड इम्पावर पार्टनर्स। बेसिकली यही वर्किंग है। अब आप इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, ये तो मतलब स्काई इज द लिमिट गाइस। आपके पास जितना नॉलेज है, आप जितना सोच सकते हो उस हिसाब से इसका पूरा यूटिलाइज कर सकते हो, मतलब इसमें कोई कमी नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कि परफेक्ट है। देन अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो कि यू कैन क्रिएट मल्टीपल साइट एंड एक्सपीरियंस विद इन योर सेल्सफोर्स ऑर्ग। मतलब जैसे आपके ये जो सेल्सफोर्स, राइट, आपके ये सेल्सफोर्स ऑर्ग है, तो आप इसी के अंदर अपना एक्सपीरियंस साइट क्रिएट करने वाले हो। एक्सपीरियंस क्लाउड पर जो वेबसाइट है, उसको हम एक्सपीरियंस साइट बोलते हैं, वो क्रिएट करने वाले हो, और आप एक ही ऑर्ग में एक से ज़्यादा भी एक्सपीरियंस साइट क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट पर ऑर्ग 100 है। तो देख सकते हो, दिस सिंस द साइट लिव्स इन योर सेल्सफोर्स ऑर्ग, यू कैन चूज एक्जैक्टली हाउ कस्टमर एंड पार्टनर कैन एक्सेस कंटेंट डेटा। तो बेसिकली यही बता रहा है कि अगर आपने एक एक्सपीरियंस साइट क्रिएट कर लिया है, तो आप, अगर आपका कोई कस्टमर आता है, तो आप उस कस्टमर को कौन से ऑब्जेक्ट के डेटा दिखाना है, किस तरह से दिखाना है, कितने फील्ड्स दिखाने हैं, वो सब आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल करेंगे, वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। ओके, देन जो हमारा पॉइंट है, वो बोलता है कि यू कैन क्रिएट एक्सपीरियंस बिल्डर साइट इन इंटरप्राइज परफॉर्मेंस अनलिमिटेड एंड डेवलपर एडिशन और सैंडबॉक्स। तो बेसिकली गाइज, अभी हम फ्री में सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, तो आपको ये वाला और क्रिएट करना, राइट, डेवलपर और क्रिएट करना सेल्सफोर्स का, जैसे कि मैंने क्रिएट किया है। गाइज, यही कुछ
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि बताता है कि सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस क्लाउड का काम क्या है, ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो बहुत ज़्यादा होगी थ्योरेटिकल बातें, अब डायरेक्ट चलते थोड़ा प्रैक्टिकल पे। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो होता है कि आप एक्सपीरियंस साइट क्रिएट कैसे करोगे, राइट? आप किस तरह से एक एक्सपीरियंस क्लाउड साइट क्रिएट कर सकते हो अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में। तो आप देख सकते हो टू, ओके एक काम करते, थ्योरेटिकल नहीं बताता आपको, डायरेक्ट प्रैक्टिकल बताता हूँ। ओके, तो जैसे ही आप CRM में लॉग इन करोगे आपको क्विक फाइंड बॉक्स में आना है। ओके, यहाँ पे आपको डिजिटल एक्सपीरियंस सर्च करना है। तो अभी आप देख सकते हो कि आपके डिजिटल एक्सपीरियंस में सिर्फ और सिर्फ एक सेटिंग का ही ऑप्शन आ रहा है, राइट? सिर्फ और सिर्फ अभी सेटिंग का ऑप्शन आ रहा था। इसका क्या मतलब, अभी आपने अपने इस ऑर्ग में एक्सपीरियंस साइट अनेबल किया ही नहीं है। तो आपको सिंपल सेटिंग पर क्लिक करना है, देन आपको ये अनेबल डिजिटल एक्सपीरियंस दिख रहा है, आपको आपको ये चेकबॉक्स सिलेक्ट कर देना है। जैसे ये चेकबॉक्स सिलेक्ट हो तो आपको ये बताएगा कि आपका एक्सपीरियंस साइट डोमेन ये सब बनने वाला है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये क्रिएट हो जाएगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, सेव पर क्लिक करना है एंड ओके कर देना है। बस आपको थोड़ा सा वेट करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत टाइम लगता है आई थिंक। या तो आप देख तो ओपन दिस पेज एंड जो सारी चीज़ें हैं, तो आपको सारी शर्तें मान लेनी है, तो ओपन कर देना डायरेक्ट। ओके, आई थिंक बेसिकली मैंने प्लेग्राउंड और में किया है। ओके, तो आई थिंक ये एक्सेस हो गया। तो आप देख सकते हो हमने अपना डिजिटल एक्सपीरियंस अनेबल कर दिया है, राइट? तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल साइट्स के अंदर आपके पास कोई भी साइट नहीं, मतलब अभी आपने क्रिएट ही नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश साइट इज 100, तो मतलब मैं सही था, आप मैक्सिमम 100 एक्सपीरियंस साइट क्रिएट कर सकते हो एक और में। तो अगर अब मैं जाऊँ अगेन, अगर आप चाहते हो सर्च कर तो डिजिटल एक्सपीरियंस, अब आप देखो अब आपके डिजिटल एक्सपीरियंस में कितने सारे ऑप्शन आ गए, राइट? ऑल साइट पेजेस, सेटिंग, टेम्पलेट्स, थीम्स एंड ऑल दैट। ओके, तो अगर आपको कोई नया एक्सपीरियंस साइट क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऑल साइट पे क्लिक करना है, तो फिर आप इस पेज में आ जाओगे। देन ये जो न्यू वाला ऑप्शन है, इस न्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। तो जैसे ही गाइस आप न्यू पे सिलेक्ट करो तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, चूज अ टेम्पलेट। तो होता क्या है गाइस, सेल्सफोर्स हमारा एक्सपीरियंस साइट क्रिएट करने के लिए कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, जो कि आपको सिर्फ एक्टिवेट करना है और आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप उसको कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, ओरा कंपोनेंट या AWS कंपोनेंट यूज़ कर। ओके, तो आप देख सकते हो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट होते हैं, सब सारे टेम्पलेट्स का क्या क्या यूज़ है यहाँ पे लिखा रहता है, राइट? ये B2C ई-कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करने के लिए होता है, ये हेल्प सेंटर जैसे आपको कोई नॉलेज आर्टिकल ये सब दिखाना है अपने यूज़र को तो उसके लिए होता है। देन ये कस्टमर अकाउंट पोर्टल, ये आपके बेसिकली कस्टमर्स के लिए क्रिएट किया जाता है, जहाँ पे कस्टमर्स आके अपने अकाउंट की डिटेल दे सके, राइट? उसके लिए थीम सेलेक्ट किया जाता है। देन ये जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टेम्पलेट है वो है ये कस्टमर सर्विस। तो बेसिकली सपोज आपने कभी कॉल सेंटर पर कॉल किया हो, राइट? आप जो भी सिम यूज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल आइडिया, एयरटेल, ऑल दैट, तो आपने कभी ना कभी कस्टमर सपोर्ट पर कॉल किया होगा। तो कस्टमर सपोर्ट पर जब कॉल करते हो तो आप उसको अपनी इश्यू बताते हो, तो आप उसको बोलते हो कि मेरा ये कंप्लेन है, ये कंप्लेन रेज कर दो। वो कंप्लेन रेज करके आपको उस कंप्लेन का कंप्लेन नंबर देता है, राइट? टिकट नंबर देता है। तो गाइस ये जो सारा सपोर्ट, उसको क्या बोल सकते हो आप, कस्टमर सपोर्ट प्रोसेस, राइट? तो ये जो सारा जो सपोर्ट वाला प्रोसेस ना, कि कस्टमर आता है, सारी डिटेल देखता है, फिर वो अपने लिए केस रेस करता है, फिर वो केस का स्टेटस चेक कर सकता है, ये सब चीज़। तो जहाँ पे ये सब चीज़ें आपको करना है उसके लिए आपको कस्टमर सर्विस यूज़ करना पड़ेगा, राइट? बेसिकली केस मैनेजमेंट वाले प्रोजेक्ट में आप मोस्ट प्रोबेबली कस्टमर सर्विस वाला टेम्पलेट ही यूज़ करने वाले। क्यों? क्योंकि इस टेम्पलेट में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के एक्सेस मिल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉलेज आर्टिकल के एक्सेस मिल जाते हैं, या फिर आपको आइंस्टाइन चैटबोर्ड का एक्सेस मिल जाता है। आई थिंक आइंस्टाइन चैटबोर्ड का एक्सेस दूसरे टेम्पलेट में भी होगा, आई एम नॉट श्योर, बट इसमें जरूर मिलता है, राइट? तो ये था कस्टमर सर्विस का, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टेम्पलेट कस्टमर सर्विस है। और उसके बाद आई थिंक B2C है जो अभी चल रहा है फिलहाल में। देन अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा फेवरेट है, बिल्ड योर ओन LWR। तो LWR का फुल फॉर्म होता है लाइटनिंग वेब रन टाइम। तो बेसिकली इसमें आपको कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं मिलता है, कुछ भी पहले से बना बनाया नहीं मिलता है, आपको सिंपल एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा, वाइट सा, जैसा नॉर्मल वेब टेक्नोलॉजी में होता है, जैसे React या Next.js में। और आपको उसी पेज के ऊपर आपको अपना पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है सिर्फ और सिर्फ LWC यूज़ करके, मतलब आप उसमें ओरा नहीं यूज़ कर सकते हो, LWC ही यूज़ होने वाला है। तो इसलिए मेरा थोड़ा फेवरेट है, तो मैं इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट भी निकालने वाला हूँ जिसमें हम LWC का यूज़ करके एक LWR साइट बिल्ड करेंगे, जिसमें हम अपना एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, राइट? तो उसके बारे में बात बात करते हैं। तो ये हो गया कुछ चीज़ें। देन आप देखते हो पार्टनर सेंट्रल, तो ये बेसिकली आपके पार्टनर्स के लिए कि अब आपके
आके अपना डेटा मैनेज कर सके, अपना रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड देख सके, कितना सेलिंग हो रहा है, लोग कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा परचेस कर रहे हैं, ऑल दैट। तो वो सब कर सकते हैं। देन ये बिल्ड ऑन हो रहा हो, सेम वही टाइप का आप ओरा कंप्लेंट की हेल्प से पूरा पूरा वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। तो यही कुछ टैप्स दिए हुए थे। तो हमारे इस केस में हम क्या करेंगे, हम कस्टमर सर्विस वाला टेम्पलेट सिलेक्ट करने वाले हैं, राइट। देन आपको सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पे दे सकते हो अबाउट दिस टेम्पलेट, क्रिएट एन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट दैट लेट मेंबर पोस्ट क्वेश्चन। जैसे अगर आपके कस्टमर कोई क्वेश्चन, तो कस्टमर क्वेश्चन पोस्ट कर सकता है, फिर कोई पर्टिकुलर नॉलेज आर्टिकल देखना है तो वो देख सकता है, अब जिस रिकॉर्ड देख सकता है, आर्टिकल्स देख सकता है, और क्रिएट सपोर्ट कैसे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस टेम्पलेट का। तो यही सारी चीज़ें हैं, मतलब बेसिक जो इसका मेन गोल है इस टेम्पलेट का, वो है सेल्फ सर्विस, ताकि कस्टमर खुद आए, अपनी सारी चीज़ें चेक करे, और प्रोडक्ट के रिलेटेड केस क्रिएट करना, केस क्रिएट करे, या फिर लाइव एजेंट से चैट करना है, वो करे, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सिंपल चलते हैं, हमें क्या करना है, गेट स्टार्ट। तो गेट स्टार्ट पे आपको डायरेक्ट अपने वेबसाइट का नाम दे देना। तो अभी के लिए मैं देता हूँ सेल्स। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन में यूआरएल दे दूँ, तो बेसिकली ये होगा आपके वेबसाइट का यूआरएल। ओके, अगर आप चाहो तो ऑप्शन दे सकते हो, बट नहीं देना तो मत दो, देन आपको सिंपल क्रिएट कर देना। तो बस गाइस, कुछ ही देर में आपका सेल्स एक्सपीरियंस साइट क्रिएट हो जाएगा, वो भी थोड़े ऑटोमेटिकली, बस एक कुछ नॉर्मल बटन क्लिक्स पे, राइट। तो गाइस, जैसे ही आपका वो वेबसाइट क्रिएट हो जाता है, तो कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन दिखता है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने के लिए ट्राई करें, तो दोस्तों अभी हमारे जो वेबसाइट का नाम है, एक्सपीरियंस साइट का नाम है सेल्स नो, जिसका अभी प्रीव्यू अनपब्लिश है, मतलब अभी आपका ये साइट लाइव हुआ नहीं, राइट। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं चलता हूँ वापस एंड अगर इसे रिफ्रेश करता हूँ एंड डिजिटल एक्सपीरियंस सर्च करता हूँ, अगेन एंड ऑल साइट्स पे क्लिक करता, तो अब देखो आप गाइस, यहाँ पे आपका एक साइट क्रिएट होता हुआ आपको दिखेगा। तो आप देख सकते हो कि आपने एक साइट क्रिएट कर लिया, जिसका नाम है सेल्स नो। ये बिल्डर ऑप्शन है, ये वर्कस्पेस है। तो ये वर्कस्पेस क्या होता है, बिल्डर क्या होता है, सब मैं बताने वाला आपको। जिस फ्रेमवर्क हमने सेलेक्ट किया वो किस टाइप का, वो ओरा फ्रेमवर्क, राइट। देन जो आपका वेबसाइट का यूआरएल है वो ये है, या दोस्तों आपका जो स्टेटस, अभी प्रीव्यू, प्रीव्यू मतलब अभी ये वेबसाइट आपका लाइव हुआ नहीं है, मतलब कोई भी, हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता अभी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चलता हूँ, इसे ओपन करता हूँ इनकॉग्निटो व्यू, तो आप देख सकते हो अभी तो बेसिकली ये लॉगिन मान रहा है, बट अभी आपका वेबसाइट लाइव हुआ नहीं है, राइट। तो अगर यूज़र उसमें लॉगिन भी कर लेता है, तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा वेबसाइट को। तो सबसे पहले बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे हमें बिल्डर का ऑप्शन मिल रहा है, देन मॉडरेशन, देन कंटेंट मैनेजमेंट, देन गेमिफिकेशन, देन डैशबोर्ड, देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गाइडेड सेटअप। बट अगर मैं एक्चुअली बताऊँ आपको, तो ये जो बिल्डर और एक ये एडमिनिस्ट्रेशन, यही दोनों चीज़ों का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर मैं बिल्डर पर क्लिक करता हूँ, देखना क्या होगा। तो बिल्डर गाइस, आपका वो काइंड ऑफ आपका जो एक्सपीरियंस साइट है ना, वो आपको इन एडिटेबल मोड में प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से आप अपने एक्सपीरियंस साइट पे चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो, उसको अपने हिसाब से बना सकते हो, राइट। एंड ये बिल्डर हर कोई एक्सेस नहीं करता, इसका एक्सेस सिर्फ सिर्फ सिस्टम एडमिन के पास होता है, या फिर आप जिसको एक्सेस देना चाहते हो उसे दे सकते हो, हर कोई बिल्डर को एक्सेस नहीं कर सकता है। या तो आप डायरेक्ट वर्कस्पेस में आके एक्सेस करो बिल्डर को, या तो आप डायरेक्ट ऑल साइट सर्च करो और यहाँ पे आपको जो बिल्डर ऑप्शन दे रहा है ना, वो कर दो। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो, अगर आप वर्कस्पेस पे क्लिक करते हो, तो आपको ये पूरा पूरा वर्कस्पेस ओपन होकर दिखेगा। एंड अगर आप डायरेक्ट इस बिल्डर पर क्लिक करते हो, तो आपको इस तरह से बिल्डर दिखेगा। तो गाइस, अभी जस्ट ये देख सकते हो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन, राइट, पब्लिश और प्रिव्यू। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है याद रखने वाली, कि आप जब भी कोई भी चेंज करने वाले हो अपने वेबसाइट पे, लाइक अपने एक्सपीरियंस साइट पे, तो हर चेंजेस के बाद आपको वेबसाइट पब्लिश करना है। अगर आपने लेटेस्ट चेंज करने के बाद पब्लिश नहीं किया, तो वो आपका लेटेस्ट चेंज लाइव नहीं होगा, राइट। वो सेव नहीं होगा, आपका प्रीवियस चेंज अप्लाई होगा जब यूज़र आपके पोर्टल को एक्सेस करना चाहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखते हो ये एडिटेबल मोड में, राइट। अब देखते हो अगर इसको एडिट करना चाहो, तो एडिट कर सकते हो इसे, सारी चीज़ें एडिटेबल मोड में। तो अगर आप चाहते हो इसको रीड ओनली मोड में, तो आपको सिंपली ऐसे प्रीव्यू पर क्लिक करना है। तो गाइस, कुछ इस तरह से आपका कस्टमर सर्विस वाला टेम्पलेट होता है, राइट, जो कि हमने सिलेक्ट किया था अपने एक्सपीरियंस साइड यूज़ करते टाइम। तो अब दोस्तों, इसमें कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें, आस्क क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट सपोर्ट, आस्क क्वेश्चन, होम टॉपिक्स, ब्ला ब्ला एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें बाई डिफॉल्ट हमें दी हुई होती है। तो गाइज, अगर आपको इसको पब्लिश करना, तो किस तरह से करते, तो आपको डायरेक्ट बैक टू बिल्डर करना है एंड डायरेक्ट इसको पब्लिश पे क्लिक कर देना है, देन इस पर सिंपल पब्लिश कर देना है। तो जैसे ही आपका पब्लिश होगा, तो आपका वेबसाइट लाइव हो जाएगा, मीन्स आपका जो लेटेस्ट चेंज है वेबसाइट का, वो लाइव हो जाएगा, आपका कस्टमर आपके लेटेस्ट चेंज को एक्सेस कर पाएगा। और अगर आपको अपनी वेबसाइट को डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन देखना है, कि आपका ये वेबसाइट कैसा दिख रहा है मोबाइल में, डेस्कटॉप में, टैबलेट में, तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है।
यानी यहाँ पे आपको डिवाइस टाइप सेलेक्ट लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोबाइल सेलेक्ट करता हूँ तो सिंपल इसे ओपन कर देता हूँ। तो अगर कस्टमर आपका ये पोर्टल मोबाइल में ओपन करता है तो उसको ये पोर्टल कुछ इस टाइप का दिखेगा, राइट। तो गाइज है ना ये ऑसम, आई नो ये ऑसम है अगर आपको लगे ना तो भी। तो कुछ इस तरह से आपने अपना सबसे पहला सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस साइट क्रिएट कर दिया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूँ यहाँ पे, तो अब देख सकते हो अभी हमने इसको पब्लिश कर दिया, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी भी हमारा स्टेटस प्रीव्यू दिखा रहा है, इसका मतलब अभी हमारा साइट लाइव हुआ नहीं है। तो लाइव करने के लिए करना पड़ता है, हमें वर्कस्पेस में जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वर्कस्पेस क्लिक करना है आपको, देन आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है उस पर क्लिक करना है। देन आप सब, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। आज की वीडियो में बस मैं बता देता हूँ कि आपको एक्टिवेट कैसे करना है आपका एक्सपीरियंस साइट। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में आके जैसे आपका सेटिंग होगा तो इसमें आप देख सकते हो आपकी वेबसाइट का लिंक ये है, और अभी आपका वेबसाइट का स्टेटस है प्रीव्यू, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरनल यूजर इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। आप जैसे इसको एक्टिवेट कर दोगे तो आपका वेबसाइट लाइव हो जाएगा। बस गाइस कुछ इतना ही करना था ना, तो कोई वेबसाइट को किसी सर्वर को होस्ट करने जो होता, तो कुछ बस आपको एक्सपीरियंस साइट क्लिक क्रिएट कर देना है, उसको एक्टिवेट कर देना, वो ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स के एक्सपीरियंस स्लॉट पे लाइव होस्ट हो जाता है। तो ये बेनिफिट है उसका। तो अगर अब मैं ट्राई करूँ एक्सेस करने का इस लिंक को, तो अब ये वेबसाइट ओपन होगा, बट अभी मैं एज अ एडमिन इस लिंक को ओपन किया, राइट। तो इसलिए ओपन हो जाएगा, बट बेसिकली ये पेज आई थिंक ऑथेंटिकेटेड होता है। अगर मैं ओपन लिखा उसको इनकॉग्निटो में, तो ये ऑथेंटिकेटेड होता है। जब तक यूजर इसको लॉग इन नहीं करेगा तो वो एंट्री नहीं कर सकता। तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी कस्टमर या फिर बोल सकते हो कोई भी गेस्ट यूजर आके आपको पोर्टल के डेटा को एक्सेस कर सके, तो कैसे होगा? वो होगा आपके कम्युनिटी साइट को, एक्सपीरियंस साइट को, पेजेस को पब्लिक बनाकर। तो गाइज ये सारी चीज़ें कैसे होती है, क्यों होती है, सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस आप मेरे साथ लगे रहना इस प्ले लिस्ट में। एंड तो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने देख लिया कि आप किस तरह से अपना सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस साइट क्रिएट कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो बेसिक वे में, किस तरह से आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो, और क्या क्या यूजेस है सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस साइट के। तो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब जैसे जैसे हम प्ले लिस्ट में सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे लेवल अप होता जाएगा हमारा। एंड तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को शेयर जरूर करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।